नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और आपका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो उद्देश्य है, जो टॉपिक है, वो है रिंगवॉर्म, जिसको हम दांत भी कहते हैं सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे दांत कहा जाता है। और ये स्किन का बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन है, जो एक स्पेसिफिक टाइप के फंगस के कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। और उसको देखने में आप देखेंगे कि कहीं भी अगर दाद हुआ है, मान लो इस जगह दाद हुआ है, तो वहां पे एक रिंग बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, एक गोलाकार, जिसके साइड में जो मार्जिन है, जो लास्ट का एरिया है, वो उभरा हुआ आपको मिलेगा। अब गोल है, रिंग है, इसलिए इसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। वॉर्म मतलब एक टाइप का कीड़ा, पैरासाइट या परजीवी, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, जो किसी दूसरी चीज पे ग्रो होता है। तो वो हमारी स्किन पे ग्रो होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर जो निशान है वो होता है, उभरा हुआ होता है। थोड़ा सा टच करेंगे तो थोड़ा उभरा हुआ आपको दिखेगा। वो खुजली होती है, उसमें जलन होती है, रेडनेस होती है स्टार्टिंग में। और अगर आप बहुत सारी क्रीम ऑइंटमेंट्स उसको दबाने के लिए यूज कर लेते हैं, स्टोरेट एंटी फंगल क्रीम लगा लेते हैं, तो फिर वो उसका जो कलर है वो ब्लैकिश, काला काला लगभग हो जाता है। फिर वो उसमें रेडिश वाली चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो ये रिंगवॉर्म है, और ये मैंने आपको बताया कि रिंगवॉर्म को कैसे पहचान सकते हैं। और जनरल सिम्टम्स में तो खुजली ही इसका मेन जो लक्षण है वो रहता है, जिसमें हमें खुजली महसूस होती है उस पर्टिकुलर रिंग में। और धीरे धीरे वो, अगर उसका इलाज ना किया जाए, तो वो बढ़ता जाता है। मोस्टली तो ये ग्रोइन एरिया में होता है, मतलब जो हमारी जांघों का एरिया है वहां पे होता है, लेकिन बगल में और सिर में इन जगह भी देखा गया है। इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने पे, या कई बार आप नाई के पास में गए, फिर नाई ने वो जो इंस्ट्रूमेंट, जो कैंची या जो भी रेजर वगैरह आपकी सेविंग के लिए या बाल काटने के लिए यूज किया है, वो किसी फंगल वाले आदमी को लगाया और फिर साफ नहीं किया, फिर आपको उसी से बाल काट दिए, तो फिर चेहरे पे और सर में भी बहुत काफी हद तक ये देखा गया है। और बहुत ज्यादा बढ़ने पे, बहुत ज्यादा फैलने पे ये पूरे शरीर में भी फैल जाता है, फिर स्थिति भयावह हो जाती है, खुजली और जलन की स्थिति। हालांकि ये किसी गंभीर समस्या में कभी कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन इतना इरिटेटिंग होता है, और अगर बाहर दिखने वाली जगह तो बहुत भद्दा भी लगता है। और उसके अलावा जब इसमें खुजली जलन होती है, तो रात रात भर लोगों को नींद तक इसमें नहीं आती। तो ये ऐसी समस्या है जिसका रिंगवॉर्म, जिसको हम बोल रहे हैं दांत, जिसको बोल रहे हैं, जिसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको दिया, लक्षण मैंने आपको इसके बता दिए, और कैसे फैलता है। अगर इस पर मैं जाऊं तो मोस्टली कॉन्टैक्ट से ही ये फैलता है, मतलब किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में हम आए जिसको ये रिंगवॉर्म है पहले से ही, हम उसका कंघा इस्तेमाल कर लें, उसका तौलिया इस्तेमाल कर लें, उसका रुमाल इस्तेमाल कर लें, या डायरेक्टली उसकी स्किन के टच में आ जाए जहां पर्टिकुलर जगह रिंगवॉर्म है, तो फिर ये हमें भी हो सकता है। अगर हमारी इम्यूनिटी जो है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर वो हमारी कम है, तो फिर ये आराम से हमें पकड़ लेगा। लेकिन अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आपको ये ना हो। लेकिन अगर वीक इम्यूनिटी है या एवरेज इम्यूनिटी है, तो भी कॉन्टैक्ट में आने के 4 से 12 दिन के अंदर आप में भी इसके सिम्टम आने दिखने शुरू हो जाएंगे उस पर्टिकुलर जगह। स्टार्टिंग में ही अगर इसका मीजर ले लिया जाए, स्टार्टिंग में ही हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी या होम्योपैथी की दवाई ले ली जाए, तो 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते में ये ठीक हो जाता है। थोड़ा पुराना हो जाए तो फिर इसमें ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन ठीक वो भी हो जाता है। और क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो बीमारी है उसको दबाते नहीं हैं, उसको बाहर निकालते हैं, जड़ से उसका समूल नाश करते हैं। तो अब मैं अगर इसके बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा वीडियो को, मैं सीधा इसके ट्रीटमेंट पे आता हूँ। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, होम्योपैथी में भी उसके बाद में मैं कुछ मेडिसिन आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमें ध्यान रखना है कि जो आपका रिंगवॉर्म है, वो स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, सुपरफिशियल जो लेयर है, उसका इन्फेक्शन है, अंदर का इन्फेक्शन ये नहीं होता है। तो सुपरफिशियल लेयर इन्फेक्शन में हमारी जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो काम करती है S5। तो S5 का हमें सिलेक्शन, सबसे पहले S5 का सिलेक्शन ही हमें करना है। और S5 के साथ जो उसका अच्छे से साथ निभाती है मेडिसिन, जो बहुत अच्छे से उसके साथ मिलकर काम करती है, वो मेडिसिन है हमारी C5। क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब वहां पे स्किन का होता है, सूजन और जो मार्जिन देखने को मिलता है, तो S5 C5 आपको सेलेक्ट करना है। और L1
लिम्फ को प्योरीफाई करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको A2 और A3 में से कोई एक मेडिसिन लेनी है जो आपको लगे वहाँ पे सूटेबल है। तो S5 C5 L1 A2 जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और वर्वन वर्मिक फूको मेडिसिन, क्योंकि ये पैराजाइट है, बाहर से आई हुई कोई चीज़ है, पैराजाइट पे वर्वन बहुत अच्छा काम करती है, और वर्वन के साथ आपको यूज करना है इसमें वाई इलेक्ट्रिसिटी में। इन सब मेडिसिन को आपको 200 डायल्यूशन में लेना है, या 30 ले लें, 30 अगर 200 आपके पास नहीं है तो 30 डायल्यूशन भी आप ले सकते हैं। 30 डायल्यूशन में आपको इसको देना है रोगी को, और 10 से लेकर 20 मिनट तक, 10-15-20 जैसी उसका एज है, वेट है और उसकी इम्यूनिटी है, क्योंकि रोगी आपके सामने रहेगा, तो 10-15-20 में से खून जितनी भी देनी है आपको, और ये आपको दिन में 4 से 5 बार उसको पिलाना है आधे कप पानी में, आधा कप या एक कप पानी में आपको 20 बूंद डाल के उसको पिलाना है। इसके अलावा इसमें ऑइंटमेंट का भी आपको यूज करना है। ऑइंटमेंट में आपको क्या करना है, आपको कोकोनट ऑयल लेना है, क्योंकि ये इसमें जलन होती है थोड़ा सा, वो एरिया गर्म रहता ही है, तो कोकोनट ऑयल में थोड़ी सी ठंडक होती है। गर्मियों में आपको कोकोनट ऑयल लेना है, सर्दी में आप तिल का तेल ले सकते हैं। तो अगर गर्मी की बात करें, जैसे अभी गर्मी है, तो कोकोनट ऑयल लेना है आपको, 30 ml आप कोकोनट ऑयल लेंगे, और उसमें एक छोटी टिक्की जो है कपूर की, जो शोधित कपूर आता है पूजा के लिए जो यूज होता है, या उससे भी अच्छा अगर आपको मिले जो मेडिसिन में कपूर यूज होता है खाने के लिए, किसी आयुर्वेद या पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगा, उसकी एक टिक्की आपको छोटी टिक्की उसमें डाल के, पीस के डाल के, और अच्छे से ऑयल को साथ मिला लेना है। ये आपका एक बेस तैयार हो गया, ऑयल बेस जिसको हम बोलते हैं। फिर इस बेस में आपको मेडिसिन डालनी है, और आपकी मेडिसिन जो रहेगी, मेडिसिन इसमें आपको डालनी है S5, वर्वन, L1 और G। इन सभी मेडिसिन की आप 5-5 या 6-6 ड्रॉप उस 30 ml में डालिए, D3 से लेकर डालना है आपको, और फिर 100 स्ट्रोक आपको देने हैं। 100 स्ट्रोक, जैसे मान लो ये ऑयल है आपको, ऐसे आप 100 स्ट्रोक आपको देने हैं कंटिन्यूअस। एक जैसे 100 स्ट्रोक देने के बाद आपका ये D4 ऑइंटमेंट तैयार हो जाएगा। तो खाने के लिए 30 या 200 जैसा आपको लगे, और ये फिर ये लगाने के लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो किसी के सर में भी है, चेहरे पे भी है, कंधे पे भी, मतलब एक बड़े एरिया को बॉडी के कवर कर रहा है, या जहाँ पे इतना वो ज़्यादा ऑइंटमेंट लगाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ आपको इस सेम चीज़ का जो मैंने आपको बताया है लगाने के लिए, S5, R1, L1 और G, इसको आपको नहाने के लिए भी इसको देना है। जब नहाने के लिए देंगे तो इसमें A2 और ऐड कर देंगे आप, उसको आपको D4 का बना के देना है, D4 RS प्योर RS में आपको बना के देना है, और जिस पानी में वो नहाएगा, एक बाल्टी 10-15 लीटर पानी में वो नहाएगा, उसमें 20-25-30-40 ड्रॉप डाल के उस पानी को मिक्स करके अच्छे से फिर उसको वो नहाए, क्योंकि S5, A2 और S5 जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो सुपरफिशियल लेयर के जो स्किन है, स्किन के थ्रू वो स्किन की जो ऊपर की लेयर है उसमें बहुत बहुत तेजी से उसके अंदर जाते हैं, और फिर फंगस का जो है वो धीरे धीरे खात्मा करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट था। अब होम्योपैथी में क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, आपको लक्षण देखने होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डेफिनेट दवाई है 4-5 जो आप देंगे तो बहुत अच्छी राहत उनसे मिलेगी। सबसे पहले मैं लगाने का ऑइंटमेंट आपको बताता हूँ। लगाने के ऑइंटमेंट के लिए आपको एक नीम ऑयल या तिल का तिल भी आप ले सकते हैं, उसमें आपको 2-3 मेडिसिन मिक्स करनी है जो मदर टिंचर होम्योपैथी के आते हैं। सल्फर मदर टिंचर, अगर आप 30 ml ऑयल ले रहे हैं तो उसमें आपको 15 ml तो लीजिए ऑयल, और 5 ml आप सल्फर मदर टिंचर लीजिए, 5 ml आप एजार डिरेक्टा मतलब नीम का जो मदर टिंचर आता है वो लीजिए, और 5 ml आप लीजिए, इसमें एक मेडिसिन होती है जो इम्यूनिटी और दूसरी चीजों को बहुत अच्छा बढ़ाती है, और उसको भी आपको इसमें 5 ml डालना है, और उसको वो भी मदर टिंचर लेना है, एचिनेशिया मेडिसिन होती है वो। इन तीनों मेडिसिन को आपको उस 15 ml ऑयल में 15 ml मेडिसिन डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, 5-7 बार हिला के ये रोगी को देना है लगाने के लिए। और खाने के लिए आपको इसमें जैसे सल्फर होती है, सल्फर 30 आप सुबह सुबह 6 गोली उसको दीजिए, गोली बना के वो सुबह सुबह सल्फर की 6 गोली लेगा, उसको
बर्निंग सेंसेशन है वो ज़्यादा, तो आप उसको अर्सेनिक एल्बम 30 दे सकते हैं 6 गोली दिन में 3 बार लेने के लिए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी इसकी मेडिसिन है जो मोस्टली रिंगवॉर्म में ही काम होती है, टेलीरियम 30 है। टेलीरियम की 30 पावर में लेके ये आप उसको देंगे 6-6 गोली दिन में 3 बार लेने के लिए। ये ऑइंटमेंट हो गया और तीन आप, मैंने आपको मेडिसिन बताई, एक सुबह सुबह लेनी है, दो दवाई आपको सुबह दोपहर शाम लेनी है। इसके अलावा इसमें एक नोसोड आता है जो एक तरीके से नोसोड का मतलब जैसे हमारी वैक्सीन होती है कोई एक पर्टिकुलर बीमारी के कण से या बीमारी के जो इन्फेक्शस जो चीज होती है उसी से उसको तैयार किया जा सकता किया जाता है। इसमें बहुत सारी ट्यूबरकुलिनियम है जो टीबी के बैक्टीरिया से बनाया जाता है, ऐसे जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बैसिलिनम है, वो भी रात पे बहुत अच्छे से काम करती है। तो बैसिलिनम 1000 जो पावर है 1 एम पावर की मेडिसिन आपको किसी भी रोगी को हफ्ते में एक बार आपको वो देनी है। जैसे रोगी आपके पास है आप उसकी जीप पे बैसिलिनम 1000 की 2 बूंद टपका दीजिए और फिर जो मेडिसिन आपने दी है उसको बोलिए, वो उस दिन कोई मेडिसिन नहीं लेगा, अगले दिन से मेडिसिन शुरू करेगा। जब भी कभी आप 1000 पावर की मेडिसिन दें तो उस दिन आप दूसरी मेडिसिन ना दे कोई। तो इस तरीके से आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हमारा आज का वीडियो था जो मैंने बनाया रिंगवॉर्म या दांत पे। आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फिर मैं अभी वीक में एक वीडियो बना रहा हूँ और मुझे लगेगा कि आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं रोज एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों की हेल्प के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।